हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपके अपने ही चैनल ज्ञान गुंजन में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड में जो ई कल्याण के थ्रू स्कॉलरशिप भरा जा रहा है उसका फॉर्म फिल करना चाह रहे हैं, तो कैसे आप जो इसका स्टूडेंट लॉगिन का आईडी पासवर्ड होता है वो कैसे आप बना सकते हैं, इसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ से आपसे डिटेल्स पूछेगा कि आप किसके थ्रू लॉगिन करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट नाम के थ्रू या ईमेल के थ्रू या मोबाइल नंबर के थ्रू, और पासवर्ड डालना होगा और कैप्चा डाल को आपको साइन इन पर क्लिक करना होता है। तो इसी चीज़ के बारे में हम बताने वाले हैं कि कैसे आप इसका पासवर्ड खुद से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सब जानकारी को डिटेल्स में पाना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप अपने चैनल पर न्यू आ रहे होंगे तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आप अभी देख सकते हैं हम अपना गूगल के क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिए हैं। सिंपली आपको गूगल के सर्च बार में टाइप कर लेना होगा ई कल्याण। जैसे ही आप ई कल्याण देखिए यहाँ पे टाइप कीजिएगा तो आप लोग के सामने एक नया इंटरफेस इस टाइप से शो होगा। यहाँ देख सकते हैं आपको सिंपली इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं ecalyan.cgg.gov.in। आपको जैसे ही आप इस वाले लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आप ई कल्याण का ऑफिशियल जो पेज है उस पर रिडायरेक्ट आपको ये कर देगा। यहाँ देख सकते हैं ई कल्याण का ऑफिशियल इंटरफेस है, कुछ इस टाइप से आपको शो होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट लॉगिन का आईडी पासवर्ड बनाना चाह रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस पेज पर आना होगा। इस पेज का लिंक भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी इस वाले पेज पर आ सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना होगा स्टूडेंट लॉगिन वाले सेक्शन पे। यहाँ देख सकते हैं, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो देखिए कुछ इस टाइप से आपको इंटरफेस शो होगा। यहाँ देख सकते हैं आपको पूछेगा लॉगिन विद। यहाँ देखिए अगर स्टूडेंट नेम में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आपको नाम डालना होगा और यहाँ पासवर्ड डालना होगा। और यहाँ देख सकते हैं जो कैप्चा नजर आ रहा है वो इसमें फिल करके आपको साइन इन वाले पे क्लिक करना होगा, तब आप इसमें लॉगिन हो जाइएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये आईडी पासवर्ड नहीं है तो कैसे आप बना सकते हैं, तो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइन अप का। यहाँ देख सकते हैं आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप साइन अप वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपको स्क्रॉल करके हल्का सा नीचे चले आना होगा। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ आपसे आपका नाम पूछा जा रहा है, यहाँ आपका फादर का नाम पूछा जा रहा है, यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, और यहाँ देखिए आपका मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, और देखिए यहाँ ईमेल। अगर आपके पास ईमेल है तो दीजिए और नहीं है तो मत दीजिए, इसका कोई ज़रूरी यहाँ नहीं है। क्या कि फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो चीज़ यहाँ ज़रूरी है उसके आगे देखिए यहाँ रेड कलर का स्टार का आइकन आपको शो हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पासवर्ड फिल करना होगा और कन्फर्म पासवर्ड। तो फ्रेंड्स, बहुत सारा स्टूडेंट यहीं पर गलती कर देते हैं कि यहाँ पासवर्ड कौन सा डालना होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो पासवर्ड आप डालिएगा वो आपका केवल ई कल्याण का पासवर्ड होगा, नहीं कि ईमेल का पासवर्ड। और उसके बाद यहाँ देखिए ई कैप्चा को इसमें फिल करके उसके बाद सिंपली आपको क्रिएट अकाउंट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका रजिस्टर सक्सेसफुल होगा। उसके बाद आपको देखिए सिंपली यहाँ साइन इन वाले पे क्लिक करना होगा, और जैसे भी आप लॉगिन करना यहाँ चाहिएगा, अगर आप स्टूडेंट नाम के थ्रू करना चाह रहे हैं तो यहाँ स्टूडेंट नेम वाले पे क्लिक कर देना होगा, और यहाँ अपना नाम डालना होगा, और यहाँ पासवर्ड और ये कैप्चा यहाँ फिल करके यहाँ साइन इन पे क्लिक कर देना होगा। अगर आप ईमेल के थ्रू लॉगिन करना चाह रहे हैं तो यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी डालना होगा और यहाँ पासवर्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको ईमेल का पासवर्ड नहीं डालना होगा, जो आप ई कल्याण का पासवर्ड बनाए होंगे वो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना होगा, और जो कैप्चा नजर आ रहा है ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना होगा, और उसके बाद सिंपली साइन इन वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। अगर फ्रेंड्स आप मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन करना चाह रहे हैं, यहाँ आपको मोबाइल नंबर वाले सेक्शन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर, यहाँ जो पासवर्ड बनाए होंगे ई कल्याण का पासवर्ड वो फिल करना होगा, और जो ये कैप्चा नज़र आ रहा है उसको आपको सिंपली इस वाले में फिल करके और साइन इन पर क्लिक कीजिएगा तो इसमें लॉगिन हो जाइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें आपको हम लॉगिन करके दिखाते हैं। यहाँ हम अपना आईडी पासवर्ड बना के लॉगिन करके दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं हम अभी यहाँ पे साइन अप कर लिए हैं, और देखिए यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल लिए हैं, और जो पासवर्ड हम साइन अप करते समय बनाए थे वो पासवर्ड भी फिल कर लिए हैं, और यहाँ देख सकते हैं कैप्चा कोड को भी फिल कर लिए। उसके बाद सिंपली आपको साइन अप वाले सेक्शन पे यहाँ साइन इन वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो जैसे ही आप साइन इन वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आप ई कल्याण के पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाइएगा। यहाँ देख सकते हैं वेलकम, यहाँ आपका नाम शो करेगा, और जस्ट इसके बगल में आपको लॉगआउट का ऑप्शन शो करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी देख सकते हैं योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। यहाँ देखिए स्टूडेंट का नाम शो कर रहा है, फादर्स का नाम शो कर रहा है, डेट ऑफ बर्थ शो कर रहा है, मोबाइल नंबर शो कर रहा है, और देखिए यहाँ ईमेल आईडी भी शो कर रहा है। तो फ्रेंड्स, कुछ इसी तरह से आप ई कल्याण का आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना होगा इसी वाले सेक्शन में। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ आपको अप्लाई ऑनलाइन करने का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करके यहाँ देखिए यहाँ से आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में केवल हम आपको अभी इतना तक ही बताएंगे कि कैसे आप ई कल्याण का जो स्टूडेंट का
लॉगिन आईडी होता है और पासवर्ड होता है, वो कैसे आप बना सकते हैं, इसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में आपको हम बताए हैं। तो इसका अगर आप कंप्लीट वीडियो चाहते हैं कि कैसे इसका अप्लाई किया जाता है, तो फ्रेंड्स इसी वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगला वीडियो हम उसी टॉपिक पर बना देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।